हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका तुम्हारे भाई के चैनल पे जिसका नाम है ग्रेनेड किलर्स। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे गेम में इतने सारे हैकर्स आ रहे हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखना, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा देखने में। और दोस्तों, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो। आज के इस वीडियो का लाइक हम लोग 200 लाइक्स रखने वाले हैं ताकि यार हम लोग को हैकर से छुटकारा मिल सके। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो और शेयर भी ज़रूर करना। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। फटाफट सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाओ। तो चलो दोस्तों, हम लोग कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक जो हमारा मिनी मिलिशिया का बैटल पास सीजन 12 वाली वीडियो वो नहीं देखी है तो जाके देख लो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैंने आप लोगों को लीक्स बताए हैं और हमारा अगला बैटल पास कौन सी डेट को आएगा तो रिलीज डेट भी बताया है, तो एक बार जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो चलो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में जो कि है मिनी मिलिशिया के नए नए हैकर्स। तो दोस्तों, जब से हमारा ये नया अपडेट आया है वर्जन 5.3.7, तो मैं भी जिन दिन में अगर 10 बार गेम खेलता हूँ तो उसमें से 8 बार तो यार हैकर ही आ जाता है, कोई नया नया हैकर हमें देखने को मिल ही जाता है हमारे मैच में। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को भी हैकर्स देखने को मिल रहा है, इसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना वीडियो के नीचे। दोस्तों, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ हैकर से, तो आज मैं इस वीडियो में एक नई चीज़ भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने सारे हैकर भाई और बहनों से रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि जो लोग भी हैक वाला गेम खेलते हैं तो भाई लोग प्लीज़ हैक वाला गेम मत खेलो, क्योंकि दोस्तों इससे आपके मोबाइल पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपका मोबाइल है तो वो भी हैक हो सकता है, इसलिए आप वो मोड एपे की मत डाउनलोड करो, ठीक है, उनसे दूर रहो। और दोस्तों, मैं इन्हीं के साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि यार जो भी हमारे भाई और बहन जो भी मोड बनाते हैं तो भाई लोग प्लीज़ यार देखो मिनी मिलिशिया के मोड मत बनाओ। अगर आप लोग देख रहे हो इस वीडियो को तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि रिपोर्ट करो फलना चिलना, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला। मैं सिंपल सा एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग मिनी मिलिशिया के हैक मत बनाओ। और भी गेम्स हैं जैसे फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, इनके हैक बनाओ। अगर आप व्यूज़ के लिए बना रहे हो तो इन गेम्स के हैक बनाओ, जिसमें व्यूज़ भी मिलेगा। मिनी मिलिशिया के मत बनाओ यार, इसका छोटा सा सर्वर है, ये बहुत ज़्यादा ही लैग करता है। और अभी जब से हैकर्स बढ़े हैं तो हमारा गेम भी थोड़ा बहुत लैग करना चालू हो गया है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यार प्लीज़ डोंट हैक मिनी मिलिशिया, ठीक है। और आप लोग भी यार, अगर आप लोगों में से हमारे कोई भी भाई लोग अगर हैक गेम खेलता है तो भाई यार प्लीज़ हैक वाला गेम मत खेलो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको मज़ा भी नहीं आएगा। आप आराम से अपना मेहनत करके गेम खेलो, मेहनत करके सारे आउटफिट्स खोलो, बैटल पास को कलेक्ट करो, तो आपको गेम खेलने भी मज़ा आएगा। तो प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो यार दोस्तों, अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर करना, और इसको ज़रूर से शेयर करना यार, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि यार वो लोग भी जान सकें कि आखिर हमें हैक को रोकना क्यों है, ठीक है, क्योंकि हमें यार हैक को रोकना पड़ेगा, नहीं तो हमारा गेम बर्बाद हो रहा है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ हैक मत बनाओ और हमारे गेम को सपोर्ट करो ऐसे ही, ठीक है, और ज़रूर सपोर्ट करो ताकि हमारा गेम मिनी मिलिशिया और आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना और चैनल पर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइज़।